क्या कह रहे हैं आप? मैंने अजय को भेजा था आपके पास, आया नहीं वो? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। क्या कर रहा? क्या कर रहा? हे भगवान, रोहन जी कुछ बोल के नहीं रहे। रोहन जी, रोहन जी क्या हुआ आपको? अरे अजय, वो मैंने तुम्हें सीए के पास जाने के लिए कहा था, तुम गए नहीं। और ये सब क्या है, पैकिंग वैकिंग अचानक? माफ कीजिएगा सर, लेकिन अब मुझे यहाँ इस घर से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? क्यों, क्या बात हो गई अचानक? मेरा काम खत्म हो गया। मैं समझा नहीं। दो लोगों के मिलने का हमेशा कोई मकसद होता है सर, और वो मकसद शायद खत्म हो गया होगा, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना चाहिए। मैं सर, कारण मत पूछिएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। चलो अब तुम कहते हो तो नहीं पूछूंगा और ना ही मैं तुम्हें रोकूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मान। मैं चाहता हूँ कि तुम रोहन की शादी तक यहाँ रुक जाओ। ठीक है सर, अगर मेरे यहाँ कुछ और दिन रुकने से आपको खुशी होगी तो मैं कुछ और दिन रुक जाता हूँ। जी सर। अभी तक नहीं आया? कहाँ भाई साहब, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। नहीं पता नहीं अजय को क्या हो गया, अचानक नौकरी छोड़ रहा है आज। रोहन को फोन करके बताना पड़ेगा अभी। हेलो बाबा जी, बाबा जी। बहू क्या हो गया, तुम रो क्यों रही है बहू? बाबा जी, रोहन जी, रोहन जी। क्या 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 हुआ रोहन को, सब ठीक तो है ना? रोहन जी को पता नहीं क्या हो गया, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तुम घबराओ मत, तुम लोग हो कहाँ, तुम बताओ, मैं अभी आता हूँ बेटा। बिल्कुल मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। बहू कहाँ तुम लोग? पता नहीं पापा जी। बहू बताओ, बहू बहू फोन बंद हो गया, अब क्या करें? पापा भाई सब ठीक है ना? पता नहीं कट गया, मैं दोबारा लगा था। हाँ जल्दी चलो। और कुछ नहीं बोला उसने? स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार और कोशिश करिए। स्विच ऑफ ही आ रहा है। मेरा तो दिल बैठ रहा है, रोहन पुत्र ठीक है ना? पता नहीं रोहन को कुछ हो गया, और वो लोग कहाँ है कुछ पता नहीं, कैसे उनके पास पहुंचूं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मालूम भी नहीं कि वो लोग हैं कहाँ, किस हालत में हो गए वो लोग, कैसे जाऊं मैं अपने बेटे के पास? क्या बिट्टो तुम भी, अरे इतना सा मजाक नहीं समझ पाई और रोने लग गई। अरे मजाक कर रहा था बाबा, कितनी डरपोक हो आप तो एकदम से। मजाक था और तुमने क्या सोचा मैं सचमुच? हाँ और ये ताबीज तुमने क्या सोच के बनाया था मुझे गुरुजी के पास ले जाकर, कि जब तक ये मेरे गले में रहेगा मुझे कुछ नहीं होगा, और अब खुद को देख लो। इतनी आसानी से आपने ये सब कुछ मजाक कह दिया ना? ये ताबीज भी तो मेरे लिए मजाक ही है बिट्टो, तुम खुद ही देख लो। अगर तुम्हें इस ताबीज पर भरोसा नहीं था तो क्यों मुझे जबरदस्ती गुरुजी के पास लेकर गई और जबरदस्ती ये ताबीज मेरे गले में पहनाया? तुम तो जानती हो कि मुझे पहले से इन बातों पर यकीन नहीं होता, और फिर मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया था। हम पर क्या बीतेगी आपको इस हाल में देखकर, नहीं सोचा आपने? अभी भी हमने पापा जी को सारी सच्चाई बता दी, अगर उनकी तबीयत खराब होगी तो आपको ये सब भी मजाक लग रहा है?
पल कैसे बीता है ये हम जानते हैं। आपके साथ साथ हर पल ना बिल्कुल आपको क्या लगा सिर्फ आप मजाक कर सकते हो हम नहीं। लेकिन सच में आपके इस मजाक ने हमारी जान ले ली थी। तुम्हारी जान कैसे जा सकती है तुम्हारी जान तो मुझ में बसती है ना। जल्दी घर चलिए सब परेशान हो गए होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे पता भी नहीं है वो लोग कहाँ है। मिमी हाँ भाई साहब ड्राइवर से कहो कि गाड़ी दिखा मैं खुद जाकर देखता हूँ। जी भाई साहब रोहन पुत्र रोहन रोहन तू ठीक तो है ना क्या हो गया तुझे बहू कह रही थी तुझे कुछ हो गया था हम तो बिल्कुल घबरा गए बेटा क्या हुआ। पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई एम सॉरी क्या है कि मैंने बिट्टो से एक छोटा सा मजाक किया था इस बीच आपका फोन आ गया और बिट्टो ने आपसे ये सब कह दिया। मजाक ये क्या तरीका है तुझे पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे जान निकल गई थी हमारी और तू दोबारा फोन नहीं कर सकता था। चाची जी वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए मैं आपको दोबारा फोन नहीं कर सका मैंने कहा ना सॉरी। और ये क्या है तेरे गले में ये ताबीज तो पहले नहीं थी कहाँ से पहना है तू। वो चाची जी हम रोहन जी को गुरु जी के पास लेकर गए थे। हाँ वैसे भी ये अनपढ़ गवार ये टोने टोटके से ज्यादा और क्या सोच सकते हैं। तुम आ गई हो ना रोहन की जिंदगी में इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है उसके साथ। माँ की बात का बुरा मत मानना बिट्टो क्या है कि उनकी जुबान ही थोड़ी कड़वी है कभी कभी तो वो क्या बोल जाती है उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता। नहीं रोहन जी उनकी बातों का बुरा नहीं लगता बुरा इस बात से लगता है कि हमारी कोशिशों में क्या कमी रह जाती है जो हम अभी तक उनके दिल में सी भी जगह नहीं बना पाए। नहीं बिट्टो तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी नहीं है बस उन्हें ही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ तुम उनका भी दिल जीत लोगी जैसे तुमने हमारा दिल जीता है। रोहन जी भरोसा है हम पर अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमसे भी ज्यादा।
और ये प्यार और भरोसा हमेशा ऐसे ही कायम रहे। इसीलिए हम आपको हमारे बारे में एक सच बताना चाहते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मेरे लिए सबसे बड़ा सच यही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द हमारा ये रिश्ता एक पवित्र और सच्चे बंधन में बनने जा रहा है। पता है पर रोहन जी, कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुना। पर जी, मैंनू पता है आजकल के लड़के बड़े फास्ट हो गए, पर बड़े छोटे का भी थोड़ा लिहाज कर लिया कर। कमाल की बात करती हैं चाची जी। अरे भगा के थोड़ी लाए हूं इसको, बल्कि बकायदा ब्याह कर रहे हैं उससे। अरे डांस वांस करने हैं। जरूर नाचेंगे जरूर, पर तेरे ब्याह में। और ये प्यार व्यार ना ब्याह के बाद, इस वक्त तो सिर्फ देखो आए भरो। आए, आए चाची, आपकी इस गल ने तो मार सुटिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारा ब्याह जल्दी नहीं कराया ना, तो आपकी जो बिट्टो है ना, भगा के ले जाऊंगा इसको। और कड़िए, तू भी तैयार रहना, समझे? और चाची, अगर आपकी ये बिट्टो ना मानी, जानती है मैं क्या करूंगा? मैंने ना आप ही को उठा कर ले जाना है। चल, अरे दफा हो बेशर्म, मोया मर जाना, खुद ते जा। अरे ये रोहन भी ना बड़ा बेशर्म हो गया तेरे प्यार में। रब करे ये प्यार हमेशा बना रहे, किसी की नजर ना लगे। पुत्र जी, ये तूने बहुत अच्छा किया, रोहन पुत्र को गुरुजी के पास लेके और उसे ताबीज पहनाया। सच कहे तो इस बात की चिंता ज्यादा है कि हम अपना सच रोहन जी को बता ही नहीं पा रहे। वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है पुत्र जी, और वक्त ही तेरे चिंता का इलाज है, तो परेशान मत हो। आप सही कह रही थी चाची जी, वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि आगे आने वाले वक्त में क्या लिखा है। फिर हम कैसे सब कुछ आने वाले वक्त पर छोड़ दें? इसलिए इससे पहले कि वक्त हमें हमारे रोहन जी से बहुत दूर ले जाए, हमें रोहन जी को अपना सच बताना ही होगा। लेकिन कैसे? वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। चाहे जो भी हो जाए, हम रोहन जी को अपनी सच्चाई बताकर ही रहेंगे, वो भी अभी के अभी। आप सो भी रहे हैं तो भी आपको उठकर आज हमारी बात सुननी पड़ेगी।